अलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान जी व्लॉग्स। गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए मैं ट्योटा गार्डन पे आया हूँ। और जैसे आप जाते हैं ना क्लिनिक पे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे मरीज़ ज़्यादा जमा होते हैं, फिर वो आपको बिठा देते हैं कि आप सर थोड़ा सा वेटिंग एरिया में वेट करें, अभी आपकी बारी आएगी तो फिर आपका चेकअप होगा। इस तरह उन्होंने मैं ना वेटिंग लाउंज में बिठा दिया है। पीछे आप देख रहे हैं इनका वेटिंग लाउंज बड़ा कमाल है। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि टोयोटा वाले जो है ना, वो गाड़ियाँ लेट कर देते हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे सवाल भी किया कि हमारी गाड़ियाँ जो अभी तक पहुँची नहीं है। पता है बात क्या है, ये यहाँ पे आपको ना, अगर 4 महीने का डिलीवरी टाइम देंगे तो कम से कम 6 महीने लगाएंगे, या कम से कम 5 महीने। और अगर आपका डिलीवरी टाइम 6 माह का होगा ना, बस फिर आप ये जहन में रखें कि आपको 8 महीने के अंदर अंदर ना गाड़ी ज़रूर डिलीवर कर देंगे। ये गाड़ी दे देते हैं, लेकिन इनके जो ना सिस्टम इस तरह का ही है, ये थोड़ा सा कस्टमर को ना वेट करवाते हैं कि आप इंतज़ार करें। हमारे पास जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में जो है रश है, इस वजह से ना हमारी प्रोडक्शन स्लो है और कस्टमर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम आपकी गाड़ी जल्दी नहीं डिलीवर कर सकते। इनका मेरे साथ वादा था मई में डिलीवरी का, हालांकि असूल तो ये था कि मई स्टार्ट होती है मुझे गाड़ी डिलीवर कर देते, लेकिन वो टेंटेटिव मंथ भी सारा गुजर गया और अब जून एंड आ गया है। फिर भी शुक्र है कि मुझे गाड़ी जो है ना, वो जून के एंड तक मिल गई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि वो कौन सी गाड़ी है। फाइनली जी, डिलीवरी लेने के लिए अब आ गए हैं नीचे डिलीवरी बे में, और तकरीबन कोई 1 घंटा लगा है इंतज़ार करते हुए। इनका डिलीवरी बे जो है वो सेकंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे ये मेंटेनेंस एरिया है। तो गाइस, ये है यारिस वाइट कलर में, लेकिन मेरी ब्लैक वाली है। यारिस एटिव एक्स टॉप ऑफ द लाइन 1.5। इसके अंदर और एटिव के अंदर थोड़े से चेंजेस हैं, उतने प्राइस का भी फ़र्क है। इसका रिव्यू भी आपके लिए करेंगे।